हाँ सब लोग एक बोलते हैं हार्ट सीट, ये तो हार्ट है। अरे बाप रे क्या हो गया, ये तो बहुत गर्म है भैया। हाँ हाँ विमान है बहुत। देवियों और सज्जनों, अब हमारे सामने बैठे हैं आज हमारे विशेष मेहमान ललन बिहारी जी, इनका नाम है। इन्हें नमकीन खाना बहुत पसंद है और साथ में ये मीठा भी खाते हैं और मीठे के साथ साथ टिट्टी, अच्छा लिट्टी चोखा। हाँ लिट्टी चोखा वो भी हम खाते हैं बहुत। हमारे हमारे हाँ हमारे बिहार में बहुत बनता है लिट्टी चोखा, तो हम खाते हैं और सत्तू भी खाते हैं। हम सत्तू सुना होगा आपने, और क्या कहते हैं उसको, चना, गर्मा गर्म चना भी खाते हैं। और ओ दिवाली के समय बनता है ना वो लाई लावा, लाई का मुरमुरा भी हम बहुत खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता है हमारे गांव में। आप कभी आइएगा हमारे गांव, खाएंगे हम आपको, खिलाएंगे आपको, खाएंगे नहीं जी। भाई साहब एक बात थी आपसे। हाँ भाई साहब, कि आपके खाने की थाली का हम इतना विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं कर सकते हैं। हाँ तो मत कीजिए ना, कौन कह रहा है आपको करने के लिए, मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए। ऐसी कौन सी बात है, ऐसे पांव ऊपर करके हम बैठ रहे हैं, मत कीजिए आप बिल्कुल। हम तो बस चाहते हैं कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम जब वहां अपने गांव से यहां आ रहे थे तो गांव वाले सब बोले कि देखिए आप बच्चन जी से मिलने जा रहे हैं, एक बार उनसे हमको हाय बुलवा दीजिएगा। तो एक बार आप कहां है कैमरा, हाँ ये है, ये कैमरा में देख करके जितना हमारे गांव वाले हैं उनका हाय बोल दें। अच्छा चलिए ठीक है, तो ललन जी के जितने सभी गांव के हैं उनको हाय। ऐसे थोड़ी ना, सुनिए सुनिए, ऐसे थोड़ी ना, नाम लेकर के बोलना पड़ेगा ना आपको। तो सबसे पहले हमारी जो पत्नी जी है ना, महरारू है हमारे, उनको आप बहुत प्यार से बोल दें हाय। यहाँ देख के बोले ललन जी की जो महरारू हैं उन्हें हाय हाय। और बाबूजी हैं हमारे, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के उनको हाय बोल दीजिए। ललन जी के जो बाबूजी हैं उनको प्रणाम करते हुए हम हाय बोलते हैं। और जो हमारे पड़ोसी हैं उनको बहुत नाराजगी के साथ डरा करके हाय बोल दीजिए, बहुत परेशान करते हैं हमको ये पड़ोसी जितने हैं। पड़ोसी जी को हम हाय बोलते हैं हाय। और देखिए एक बात तो हम बताना भूल ही गए आपको, हमारे गांव में हमारा जो घर है वहां पर एक भैंसिया है, भैंस जानते हैं ना, वो भैंस ससुरी जो है वो जब तक आपका गाना नहीं सुनती वो दूध नहीं देती है, तो उसको भी एक बार जरा हाय बोल दीजिएगा। अच्छा जो उनकी भैंसिया है, भैंस जो बिना हमारा गाना सुने दूध नहीं देती है, उसको भी हम हाय बोलते हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा बचा है और कुछ कि सब हो गया है। अरे आप नाम लिए तो हम तो पूरा लिस्ट लेकर के आए, देखिए ये पूरा लिस्ट है हमारे पास। हाँ तो सुनिए 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 सुनिए, इसमें इसमें पिंटू है, चिंटू है, बबलू है, पिट्टू है, इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन सबको हम हाय बोलते हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिए ललन जी। हाँ जी, हमने एक बात कही थी। क्या बात? कि सीखना बंद तो जीतना बंद। हाँ उसका आप पर कुछ असर हुआ है या नहीं? अरे भयंकर भयंकर असर हुआ है। आप जो हमको सिखाए रहे वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये टीवी वाले क्या बोलते हैं, टैग लाइन है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, वो हमको हम सीखे हैं सब। और क्या सीखे हैं आपको बता नहीं सकते हम, इतना सीख लिया कि हम एक कविता लिख दिए उसके ऊपर, पोएम अंग्रेजी बोलते हैं, पोएम लिखे हम, सुनेंगे आप उसको? हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए, अभी हम उसको लिख के लाए। हाँ देखिए सुनाते हैं आपको, ये देखिए और सुनिए, आप सब लोग भी सुनिए, हम पोएट्री लिखे हैं, पोएट्री पोएट्री लिखे हैं। कि सीख सीख कर सीख को सीखो, सीख सीख कर सीख को सीखो, सीख सीखना भी एक सीख है। हाँ हाँ, और सीख सीख कर जो न सीखे मेरी सीख में वो बड़ा वीक है। बढ़िया रहा गया, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया, कमाल। ताली बजा एक बार फिर से हमारे लिए, ताली बजा दीजिए आप, क्या बात है।
सुन रहा है बच्चन जी, कितना ताली पड़ रहा है, आपसे ज्यादा ताली पड़ रहा है हमको। हाँ वाह वाह, क्या बात है ललन जी, आप सर्वज्ञानी हैं। सर्वज्ञानी, हाँ। अब आपको सिखाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है। अरे ये तो गलत बात बोल दी आप, बहुत गलत बात बोल दी। कैसे कह सकते हैं कि सिखाने की आवश्यकता नहीं, बहुत कुछ सीखने को है। देखिए बच्चन जी, हम बात थोड़ा प्राइवेट है, थोड़ा नजदीक आइए। ऐसा है भाई साहब कि हम कागज पे लिख के लाए हैं कि हमने देखा है कि जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं की विशेष कृपा जो है वो आप पर बनी रहती है। सही बोल रहा है कि नहीं? हम महिलाओं की विशेष कृपा जो है इन पर बनी रहती है, और हम में वो गुण है नहीं। तो ऐसा क्या गुण है आप में जिसकी वजह से महिलाएं जो है उनका खास विशेष जो एक वो होता है वो आप पर रहता है? क्या बात कर रहे हैं आप ललन जी, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। कहां से ये गुण आपने देख लिए मेरे अंदर? अरे देखा है, हर बार देखते रहते हैं हम तो, और यहाँ यही मंच पे हम देखे हैं इसको। हाँ, जितना महिला आपके ऊपर कैसा विशेष ध्यान देती है हम सब देखे हैं। हमारे गांव में आपको बता दें, हमारे गांव में हम जो टीवी देखते हैं हम वहां सब देखे हैं और नोट किया हम उसको, और सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक है। आप जानते नहीं है वो क्या बनाया है, गोल गोल एकदम DVD, उसके ऊपर हम छापे हैं, और छाप करके जो KBC में आपका डिपार्टमेंट है, कौन है लोग यहाँ सब बैठे हैं, हाँ इनको हम बोला है कि वो दिखाएं हमको, आपको पता चलेगा कि कैसे ये महिलाएं जो है आपके ऊपर विशेष एक कार्य करती हैं। दिखाया जाए, कौन है भैया, दिखाएगा कोई? ये बड़ा पर्दे पर देखिए, अभी दिखाया जाएगा, चला भैया। ए भाई साहब उधर देखिए ना, उधर। हाँ, देख रहे हैं, देख रहे हैं। आपकी आंखें मेरी आंखों में है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे मुझे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें देख करके आप मुस्कुरा रही हैं, अच्छा लग रहा है हमें। इसी तरह आप हमें देखते रहिए और मुस्कुराती रहिए। सर आप भी हमको इसी तरह देखते रहिए। मैं आपको ही देखता रहूं। कितनी देर देखना होगा? और देखते देखते ही रहेंगे कि कुछ आगे भी? मेरे रुमाल दो, मैं पहुंचता हूं। इतनी ही खूबसूरती से खेलिएगा जितनी खूबसूरती से आप स्वयं दिखती है। ओतुशी जी, आपको शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब इस बात के गवाह हैं कि आप वाकई में अति सुंदर। आपका बाल थोड़ा सा चला खराब हो गया है, मेरा रुमाल केवल यही है। नहीं तो मैं अपने दुपट्टे में। नहीं, इसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं। क्यों, इसमें आपको खराबी लग रही है? आप गंदा हो जाएगा सर। नहीं नहीं, गंदा क्या होगा, आपके आंसू इसमें लग जाएंगे तो ये तो पवित्र हो जाएगा। ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। रोना धोना अलाउड नहीं है? नहीं, नहीं। कल आप फूट फूट करके रो रही थी। वो आंसू पोछाने में अच्छा लगा था इसलिए फिर रो सकती हूँ। अच्छा, ये बात है, अब की बार हम अपना कोट उतार देंगे। देखा है पूरा, हम उसको DVD दिया है, सब नोट करके हम रखे हैं। कितना प्यार से अब जा करके वो महिला का आंसू पोछे हैं, एकदम नाजुक तरीके से सब पोछे हैं। हमसे तो ये सब होता नहीं है, हमारे सामने तो कोई महिला आती नहीं है रोते हुए, उल्टा हमको रुला करके चली जाती है। ओहो भाई साहब ललन जी। हाँ जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम।